हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसानों के जो कीटनाशक केंद्र है वो हम कैसे ओपन करेंगे ऑल यूपी के अंदर। तो ऑल यूपी में हम पूरे यूपी में कैसे हम ऑनलाइन करेंगे और कैसे हम अपनी शॉप ओपन करेंगे। तो इसके लिए हम फुल वीडियो लेकर आए हैं और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं और क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, वो फुल जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों बने रहिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आपको इसमें वीडियो में समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट जो जो फाइल लगती है, जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी मैं साथ में लेके आया हूँ। और ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ यह है कि मैंने पेस्टिसाइड का लाइसेंस लिया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेना है और कैसे ऑनलाइन होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और कितना पेमेंट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर योग्यता की बात कर लेता हूँ। चाहिए योग्यता की बात करें तो BSc PCM ग्रुप से होनी चाहिए या एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, या फिर आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए जो कि हमें पेस्टिसाइड लेसन प्रोवाइड कराता है। एग्रीकल्चर से संबंधित एक डिप्लोमा होता है, वो काफ़ी यूनिवर्सिटी कराती हैं, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। यूपी में, मेरठ में कराते हैं और सहारनपुर में, जो आप ऑनलाइन सर्च करके निकाल सकते हैं। और बाकी तो आप BSc आप जानते ही हैं, ये एक डिग्री होती है जो कि पेस्टिसाइड कीटनाशक दुकान के लिए चाहिए। बाकी अगर मैं बीज की और खाद की बात करूँ तो खाद और बीज के लिए इंटर काफ़ी होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक आने वाले टाइम में अपडेट होगा उसके लिए बात की बात है। तो ये अभी तक की वीडियो बना रहा हूँ, तो इस टाइम ये रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी यो पे एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है। ये मेरे पास एफिडेविट है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक ऑथराइज लेटर है, मेरे पास यहाँ पे एक ऑथराइज लेटर है, लेटर की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक प्रिंट आउट निकाल लिया था मैंने, जो कि मुझे जमा करने को था पर होता नहीं है इसके अंदर जमा, वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। तो ये मेरे पास एक फॉर्म है जो प्रिंट आउट है। उसके बाद यहाँ पे जो ओनरशिप है, ओनरशिप अगर खुद का है तो अपना ओनरशिप का एक सर्टिफिकेट एप्लीकेशन लगा के उसे बनवा लेते हैं हम वकील के द्वारा, तो वो बना देता है कि हाँ हमारा ओनरशिप है। अगर किराए की बिल्डिंग है तो किराए का जो हमें सर्टिफिकेट होता है वो किराए का लगाना होता है, तो इसमें ये अपलोडिंग करना होता है, तो ये बन जाता है। इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बाकी इसमें मेरी मार्कशीट वगैरह यहाँ पे है, ये देख पाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 मार्कशीट है, इंटर हाई स्कूल और BSc की मेरी मार्कशीट है, जो कि PCM ग्रुप की यहाँ पे 3 मार्कशीट है, वो भी मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे ये मेरा आधार कार्ड इसमें लगा हुआ है, और उसके अंदर मेरे यहाँ पे एक लाइसेंस जो कि रेगुलेशन लाइसेंस वगैरह की एक अधिनियम के द्वारा ये रूल्स होता है, तो इस 1971 एक रूल है इनका बना हुआ 1968 का, तो वो यहाँ पे मैंने प्रिंट हो गया इसकी एप्लीकेशन जो कि हमारे लिए इस एफिडेविट पर प्रिंट होती है, तो वो भी मैंने करा रखी है। और उसके बाद दोस्तों फाइनली मेरे को मिल जाता है इसका लाइसेंस। तो ये है मेरे को लाइसेंस, आपने मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, जो कि डिस्प्ले पर आपकी मेरी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा लाइसेंस, वो यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं इस तरह का होता है मेरा लाइसेंस। और यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो ले रहा होता है लाइसेंस, बनवा रहा होता है भाई लाइसेंस, उसके लिए मैं बता सकता हूँ, सबसे पहले अगर किसी ने जानकारी ना दी और देता भी नहीं है कोई चीज़ के बारे में जानकारी, और उसके पास अगर जानकारी नहीं है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें कमी जरूर करेगा, जो कि मैंने की है। मुझे नॉलेज जितनी थी मैंने उतना काम किया, फिलहाल मैं किसी से जानकारी ले रहा हूँ, फुल जानकारी वो बंदा नहीं देता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या जानकारी, जो कि आपको क्या क्या दिक्कत नहीं करनी है। तो यही फिलहाल डॉक्यूमेंट है, मैं आपको लिस्ट यहाँ पे लगा रखी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे पास इसका लाइसेंस मिला हुआ है पेस्टिसाइड का, और इस बार मैंने पेस्टिसाइड का लाइसेंस अप्लाई किया था, तो जैसी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब पर कोई नहीं दे पाएगा, और फुल जानकारी के साथ मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, इस पर किसी से संबंधित पेस्टिसाइड शॉप से संबंधित जहाँ पे इस पर वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। और तो हमें लाइसेंस के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, लाइसेंस ये मेरे को मिला है, इसमें दिक्कत क्या होती है। सबसे पहले अप्लाई जो लाइसेंस होता है वो निवेश मित्रा जो एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, उससे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो वहाँ से आप अप्लाई करेंगे और आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगी। अगर किसी वजह से नहीं मिलती है वीडियो या समझ में नहीं आता है कैसे करना है, तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसकी वीडियो बना दूंगा, या जो भी जानकारी है वो मुझसे कांटेक्ट कर लें मेरे व्हाट्सअप या टेलीग्राम से, तो मैं आपको हेल्प इसके अंदर कर दूंगा। तो ये तो रही बात, बाकी इसमें बात करते हैं, इसमें जो कंपनी हम लगाते हैं इसके अंदर, जो हम जिस कंपनी की दवाई बेचेंगे, तो जब हम अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम हमें अप्लाई करते टाइम ही इसके अंदर ऐड करनी है कि हम किस किस कंपनी की यहाँ पर दवाई सेल करेंगे। तो सबसे बेस्ट जब ही रहेगा, जो कि मैंने मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम शॉप खोली है, और इसमें मैंने जो 3-4 इसके अंदर मैंने ऐड की थी कंपनी। अब होता क्या है कि मार्केट में काफ़ी कंपनियां हैं, वायर कंपनी है, धनु का है, और इसके FMC है, सरस्वती है, तमाम तरह की कंपनियाँ हैं, उसको अंदर इसमें ऐड कर दो, और वही जो ऐड होंगी वही उसकी दवाई बेचनी हमें होती है। तो ये एक नियम है, सिस्टम है इसका। तो उसके अलावा दवाई नहीं बेच सकते हो, तो हो सके बेहतर से बेहतर इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो कंपनियां उन्हें इसके अंदर ऐड करो,
जो कि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको, और इसका एक यूनिक नाम रखना है शॉप का। इसमें जो शॉप है उसके अंदर देखने को मिलेगी शॉप का नाम, वो यूनिक हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मिलता जुलता रख लेते हैं। मैंने तो इसमें ऐसा रखा है, वो आपको मैं दिखा दूंगा क्या नाम मेरा है। तो ये मेरे को जो अनुभव है, मैंने जो अभी लिया है। और बात करते हैं पेमेंट की, जो कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया की बात करें, तो देखो ये पेमेंट अभी बना रहा हूँ वीडियो, आप अभी ना लेके 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद लो, तो हो सकता है पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कम ज़्यादा हो सकता है। तो मैं आपको बताऊँ, सभी का रेट अलग अलग है, वो मैं डिस्प्ले के अंदर दे दूंगा, देख सकते हैं आप कितना कितना इसके अंदर है, चेक कर सकते हैं। क्योंकि कम बढ़ती होता रहता है, मैं बता दूं, और वहाँ पे कुछ और निकले तो वो सही नहीं रहता है। वहाँ पे 7,000 रुपये रूरल के एरिया के लिए लेते हैं, मतलब अर्बन एरिया के लिए 7,000 रुपये हैं, और रूरल एरिया के 2 से 3,000 रुपये यहाँ पे लगे आते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे चला जाता है। तो ये तो एक पेमेंट का प्रोसेस रहता है। और ख़ास बात यह है, सबसे बढ़िया बात है इसके अंदर, कि आपसे कोई दादली बाजी नहीं होती है, कोई पेमेंट नहीं देना होता है किसी के लिए, घर बैठे अप्लाई करना है और घर बैठे बन के आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाओ, जाने के बाद वहाँ पास कराओ, किसी को पेमेंट दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने आपको जानकारी दी है, और जानकारी हमें कैसी लगी तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ रह गया हुई है तो वो मुझे ज़रूर बताएं कॉमेंट के माध्यम से। कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल है मेरा, उस पर आ जाएं, उस पर जुड़ जाएं, उससे आपको जानकारी मैं देता रहूँगा प्रोडक्ट के बारे में, शॉप के बारे में, दवाइयों के बारे में जो कि मैंने ओपन किए, और जो लाइसेंस मेरा खाद का है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसे कैसे लेना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा इसके अंदर। तो ये तो मैंने आपको एक कीटनाशक जो लाइसेंस होता है, फंगिसाइड की दवाई बेचती हैं हम, उसका लाइसेंस लिया है, उसके बारे में मैंने आपको एक जानकारी दी है। तो दोस्तों आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी जो कि जानकारी लेनी हो तो कॉमेंट में बता सकते हैं।